मैं तो ऑलवेज़ ओपन हूँ हर एक आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए, एंड पाजी से पूछना पड़ेगा कि अगर वो कंफर्टेबल हैं टूर करने के लिए तो विल श्योरली डू इट। वन वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा। सबको ये लगता है कि मैंने उनके लिए गाना बना दिया होगा, बट अभी मैंने उनके लिए कोई भी गाना नहीं बनाया। अब ये क्वेश्चन का अगर आंसर दे दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, अगर ना आंसर दिया तो ये बोलेंगे झूठ बोल रहा है। Yo, what's up everybody? This is Guru Randhawa and you're watching Bollywood Hungama. Make sure you guys subscribe to Bollywood Hungama and hit the bell icon. Guru, we've taken some questions from your fans on Twitter, so let's see what they have to say to you. So this is Monica from New Jersey, USA. All right. Any collaborations with Diljit Dosanjh in the near future? Would love to see you guys perform together, music video or live on stage. Live on stage तो होगा possible जब किसी टूर जो मैनेजर होता है या जो टूर करवाते हैं उनके दिमाग में आएगा आइडिया हम दोनों के जगह स्टेज पे लेके आने का, एंड उसके लिए आई एम तो टोटली विद इट। मैं तो ऑलवेज़ ओपन हूँ हर एक आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए, एंड पाजी से पूछना पड़ेगा कि अगर वो कंफर्टेबल हैं टूर करने के लिए तो विल श्योरली डू इट। उससे आई थिंक ब्यूटीफुल टूर नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले दो हिंदुस्तानी एक स्टेज पे होंगे। If you can describe SRK in one word, this is Adil from Pakistan. शाहरुख सर को वन वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा। श्रेनिक जैन फ्रॉम इंदौर, इंडिया। सलमान खान के साथ स्टेज परफॉर्मेंस तो कर लिया, आप सलमान खान के लिए फिल्मों में कब गा रहे हो? ये क्वेश्चन अभी मेरे पास हर जगह से आता है, क्योंकि अभी इतने सर के साथ शोज़ कर रहे हैं कि सबको ये लगता है कि मैंने उनके लिए गाना बना दिया होगा, मतलब सबको ये होता है, बट अभी मैंने उनके लिए कोई भी गाना नहीं बनाया। अभी मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बट जब भी आएगी तो विल गिव अ ब्लॉकबस्टर हिट टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड, एंड वो आई थिंक अनदर लेवल होगा। इमेजिन स्क्रीन के ऊपर अगर मेरे को 10 सेकंड साथ मिल जाए उनके खड़े होने के तो क्या होगा फिर उसमें। मेरा जो ड्रीम है, और मेरे को फिर सबसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे ना कि अभी कब आ रहा है गाना, क्योंकि गाना आ चुका होगा। ऑलराइट, दिस इज इरम फ्रॉम अलीगढ़। व्हाट इज हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, समथिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, व्हाट वाज ही डूइंग बिफोर कमिंग इन इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज विजिट इन अलीगढ़? इसका पीछे से आंसर देते हैं सारी चीज़ों का। अलीगढ़ में जब मैं गया तो सारा अलीगढ़ तो शो देखने आया था, बट 4000 लोग ग्राउंड के बाहर भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिली थी, ग्राउंड भर गया था पूरा। एंड अलीगढ़ महोत्सव में मैं परफॉर्म करने के लिए गया था, वहाँ पे इतने सारे मेरे पेंटिंग्स बना के लोग लेके आए थे, सारा शहर एज आ मेले की तरह शो देखने आया था। और मेरे को लग रहा था कि तब 2017-18 की बात है शायद ये, तब मैं नया टूर इंडिया लेवल पे टूर करना शुरू करा था, और मेरे को लगता था कि इनको पंजाबी कैसे आती होगी, ये तो अलग दुनिया है, बीइंग फ्रॉम इंडिया बट एक अलग शहर है जहाँ पे ऑल लैंग्वेज बोलते हैं। बट वो सारे गाने उनमें साथ गए, उसके लिए आप अलीगढ़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके पिछला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज ही डूइंग बिफोर कमिंग टू इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक। आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज डूइंग माय MBA, उसमें मैं टेक्निक्स सीख रहा था मार्केटिंग की, कि कैसे मैं अपने आप को मार्केट कर सकता हूँ अच्छा, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो, आई थिंक गाने को लॉन्च करते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत हद तक हम सक्सेसफुल हुए इस चीज़ को विद स्टडीज़ लेके आने के लिए लेके आए हैं। सो क्वालिफिकेशंस आपकी MBA हो गए? MBA करी है, बट मेरे पास डिग्री नहीं है, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने MBA करी है वो कॉलेज अभी फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। IAPM से मैंने MBA करी है, क्योंकि वो 3 साल में हमें डिग्री देते थे BBA + MBA, तो मैंने कहा ये सही है, टाइम भी बचेगा और सिंगर भी बन जाऊंगा और पढ़ाई भी कर लूँगा, तो मैंने वहाँ से MBA करी। समथिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड अब ये क्वेश्चन का अगर आंसर दे दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, अगर ना आंसर दिया तो ये बोलेंगे झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो आप। तो गर्लफ्रेंड आई थिंक मेरी म्यूज़िक ही है, बट हाँ जब ऑफिशियली कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं आज तक कुछ छुपाया नहीं कभी भी किसी से। This is Adil Prince from Pakistan. How's Pitbull sir off screen? Funny guy or serious one? I won't say funny, but he's very entertaining. वो बातों में मेरे से उन्होंने बहुत हिंदी वर्ड पूछे कि इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बोलते थे, बोलते इसको हिंदी में क्या कहते हैं। एंड उन्होंने हमें बहुत अमेजिंग वेजिटेरियन फूड अपने जो रेस्टोरेंट उनका आई लव 305 वहाँ पे स्पेशल शेफ़ को बोल के बनवाया हमारे लिए। एंड बहुत सही है यार, वो देसी हैं, वो गांव से हैं, किसी मियामी के, मैं जैसे पहले बताया वो हमारे जैसे हैं। शिवांगी फ्रॉम आगरा, कैन वी एक्सपेक्ट योर कोलैबोरेशन विद सुशांत सिंह राजपूत? अच्छा, मतलब उनकी फिल्म के लिए गाना या इंडिपेंडेंट? या वो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि उनको अगर सुशांत भाई को अगर चाहिए मेरा गाना तो ज़रूर, मैं तो आई एम एनी वेज अप फॉर ऑल द कोलैबोरेशन, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करें हम, जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करें, उतना म्यूज़िक और अच्छा बन सकता है। तो क्या पता सुशांत भाई के पास ऐसी हुक लाइन हो, ऐसा आइडिया हो गाना करने का कि जो मेरे को बताएं कि भाई ये मेरे पास एक चीज़ है, अगर तो उसके ऊपर कुछ लिखे तो क्या पता वो सुपर डुपर हिट हो जाए। I'm always up. This is Alia from UK. How does it feel when you see your all your songs are no less than chartbusters? I feel good. I feel great, and I feel कि ये जितने ज़्यादा लोग पसंद करें गानों को, उतना अगला गाना और अच्छा बनना चाहिए, उतना अगले गाने में और ज़्यादा दम होना चाहिए, ताकि पुराने गानों के साथ साथ अगले गाने को भी उतनी रिस्पेक्ट मिले, उतना ही फेम मिले। And I feel good. And all thanks to you guys for watching it, for giving your time. So Alia has said that just want to listen Lahore's two lines, one of my favorite songs of you. Oh lagdi Lahore diya, jis hisab na has diya, kudi da pata karo, kede pind diya, kede shehar diya. Oh lagdi Lahore diya, oh lagdi Punjab diya. Fantastic. Alright, this is Manu Siege from Kolkata. Sir, which song of yours is the most memorable for you? Who is your idol, sir? Any plans of starring in a movie? Huge fan of yours. Lots of love and respect for you always. Manu Siege, आपका जो मेरा जो सबसे memorable song है, I think that's my first song, Same Girl with Arjun, क्योंकि अगर वो ना आता तो कुछ भी ना आता। और तब बिना record label के अर्जुन ने मुझे मौका दिया अपने साथ गाने का। And I love Arjun for that. I respect him forever. And I think वो गाने ने मेरी लाइफ चेंज करी। मेरे को पहली बार कैमरा फेस मैंने उस गाने में करा, एंड वो गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। This is Kanad Roy from Durgapur, West Bengal. Guru sir, which Indian music directors would you love to collaborate on a single? P.S. Love your songs and keep doing the good work. I think Saleem Suleiman sir के साथ करेंगे कभी ना कभी। This is Fawad Sumru from Karachi, Pakistan. So what do you think of Arijit Singh and do you want to collaborate with him for any upcoming project? Arijit Paji को मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, but उनको बहुत shows, live shows YouTube पे मैंने उनके देखे हैं, उनके गाने सुने हैं, and I think he is one of the nicest artists and he is so famous that everybody loves him, and I would love to collaborate with him unless and until वो गाना ऐसा हो कि जिसमें मैं हिंदी गाऊं और वो पंजाबी गाएं। Kuldeep Pathak, this is the last question. Guru, your songs turn out to be nothing less than chartbusters and rule the world. You're a dapper at looks too. Any acting offers till now? Acting offers तो हैं, but मेरे को acting करनी नहीं है, तो मैं सबके offers हंसते हंसते बोलता हूँ छोड़ो क्या करना है, आपका पैसा खराब होगा। But जब मेरे को लगेगा किसी का पैसा खराब करना, तो मैं ज़रूर एक्टिंग करूँगा और दिल खोल के एक्टिंग करूँगा। Yo, what's up everybody? This is Guru Randhawa and you're watching Bollywood Hungama. Make sure you guys subscribe to Bollywood Hungama and hit the bell icon.